गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया, ठीक है, गवर्नमेंट ने डेफिनेटली एडिशनल टैक्स लगाया है, लेकिन इसके अंदर यह है कि उसको रैशनलाइज बेसिकली किया है. फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर पहले टैक्स था, ठीक है, अब जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब ये इरेशनल सी बात थी कि भाई आप एक जगह गुड्स पे करते हैं दूसरी जगह नहीं करते, तो वहाँ भी 1% का आपने एडिशनल FTR का टैक्स इम्पोज कर दिया. इसी तरह से अब कोविड के बाद और कोविड से पहले आपकी जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज हैं, ई कॉमर्स है, उसको एक बूस्ट मिला है, ठीक है, तो उसको भी सेल्स टैक्स के नेटवर्क में, टैक्स नेट में लाना बहुत जरूरी था, तो गवर्नमेंट ने उसे सेल्स टैक्स की सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया. डोंट यू एग्री कि ये पहले डेवलप हो जाती मार्केट और फेस पे टैक्स लगता? देखिए आपकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है, इससे पहले कि ये भी आपके पास अनडॉक्यूमेंटेड की तरफ चले जाए, ठीक है, इसलिए बेहतर ये है कि इसे भी हम टैक्स नेट के अंदर लेके आए, ठीक है. देखिए इसमें साईं साहब सेल्फ असेसमेंट स्कीम को गवर्नमेंट ने फिर से रिज्यूम किया 2001 में, जब ये ऑर्डिनेंस आया तो जुलाई 2002 से इम्प्लीमेंट हुआ था, लास्ट ईयर इसे चेंज करके सेल्फ असेसमेंट को बैकआउट किया. 122(5)(a) के अंदर कमिश्नर्स के जो आप कहें कि हाथ हैं वो बांध दिए, ठीक है, पहले जो इंक्वायरी होती थी वो नहीं, लेकिन ये अच्छे मेजर्स थे, लेकिन आपने साथ में जो है वो अरेस्ट के जो पावर्स दे दिए 16-17 ग्रेड के एक ऑफिसर को. नाउ दिस इज रेस्ट विद द फाइनेंस मिनिस्टर. एग्जैक्टली, तो अब इसके अंदर जो है वो आपके पास कंसीलमेंट की, कंसीलमेंट ऑफ अगर इनकम होती है तो उसके अंदर आप जो है वो अरेस्ट के पावर्स हैं, तो इसको मतलब ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इसे रिविजिट करें, क्योंकि ये काफ़ी हार्श मेजर्स हैं, जहाँ आप ट्रस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इस वजह से क्रिएट हो सकता है. ये पूरा आपका मतलब बजट ही टैक्स रिलीफ पे बेस करता है, हर दूसरा प्रपोजल जो है गवर्नमेंट का जो है वो टैक्स रिलीफ के ऊपर बेस करता है. गवर्नमेंट ने SMEs को इनक्रेज करने के लिए रिड्यूस टैक्सेशन 7.5-10% की टैक्सेशन इनकम टैक्स के अंदर 14 शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करके वहाँ पे लेवी करवा दी. वो जो बैंक्स की जो ट्रांजेक्शन थी उसके ऊपर से आपने टैक्स को जो है वो रिमूव कर दिया, तो डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाने की वजह से आपने यहाँ से भी जो है वो टैक्स को रिमूव किया. इसी तरह से जो आपकी पार्ट वन ऑफ दी सेकेंड शेड्यूल की एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है, जो मटेरियल एग्जेम्पशंस थी उसको आपने जो है वो विड्रॉ किया. लाइकवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अगर हम देखें, देखिए इन्फोर्समेंट भी कहीं ना कहीं आपका एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, अगर आप अच्छी इन्फोर्समेंट करें तो वहाँ से भी आपकी एक अच्छी रेवेन्यू कलेक्शन हो सकती है. तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात करें तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, जहाँ पे आपके लूप होल्स हैं, जो करप्शन हैं, उसको जो है वो करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा मेजर ये लिया है कि आपके जो रिफंड्स हैं उसकी एप्लीकेशन के बगैर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, ये एक अच्छा मेजर है. करें एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, गवर्नमेंट ने जो है वो लोअर जो आपके जो हाउस होल्ड्स वाले हैं उनको 500,000 का इंटरेस्ट फ्री बिजनेस लोन देने की बात की है, 250,000 पर हाउस होल्ड जो है वो एग्रीकल्चरल लोन देने की बात की, इंटरेस्ट फ्री, ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है तो 200,000 पर हाउस होल्ड जो है वो आपको इंटरेस्ट फ्री जो है वो लोन देने की बात की है. इसी तरह से अगर हम टैक्स इंसेंटिव्स की बात करें तो टैक्स इंसेंटिव्स के अंदर टैक्स क्रेडिट्स दिए हैं, एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए हैं. फॉर एग्जांपल आपने जो है वो न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, कोल माइनिंग्स के प्रोजेक्ट्स को, स्टार्टअप्स को जो है वो नए टैक्स क्रेडिट्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं. लाइकवाइज गवर्नमेंट जो है वो आपने सुना होगा कि एनर्जी सेक्टर को भी थोड़ा सा रिफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो वहाँ के जो सेक्युलर डेट और इस तरह के इश्यूज है वहाँ उनको भी कम करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे से जो है वो ग्रोथ के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट का इंटेंट है. मतलब एक आवामी बजट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि हर सेक्टर को किसी ना किसी तरह पर इंटरटेन किया गया. करें तो टैक्स रेवेन्यू के जो नंबर्स गवर्नमेंट ने अपने इस साल के जो सेट किए थे वो 4.9 trillion रुपीज़ थे, और फिर उसके बाद IMF से डिस्कशन के बाद जो एक्चुअल नंबर्स की तरफ हम जा रहे हैं वो 4.69 trillion तक हम अचीव कर सकेंगे. जो ग्रोथ रेट हमने रखा है नेक्स्ट ईयर का वो 4.8% हमने रखा है. इन्फ्लेशन जो है वो हमने जो टारगेट सेट किया है वो 8% का टारगेट हमने सेट किया है. जबकि अगर हम कलेक्शंस की बात करें तो ये कलेक्शंस होंगी कहाँ से, ठीक है, असल जो हमारा एक सवाल है कि भाई ये कहाँ से कलेक्शन होगी, तो जो डायरेक्ट टैक्सेशन से गवर्नमेंट का इंटेंट है वो 400 बिलियन एडिशनल कलेक्ट करने का है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वहाँ से जो है वो 800 बिलियन एडिशनल जो है वो टैक्स कलेक्ट करने का है. तो बजट में रियल स्टेट के हवाले से पिछले चंद सालों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है. गेन टैक्स को लास्ट ईयर भी रिड्यूस किया गया था, इस साल भी उसमें चेंजेस रिकमेंड की गई हैं, जिसमें स्लैब जो है वो 5% पे फिक्स कर रहे हैं. पहले ये 2.5, 5, 7.5 और 10% डिफरेंट स्लैब्स थी. 2.5% से 5% होना इट्स अ लिटिल कंसर्न इन रियल्टर्स.
रियल इस्टेट हैपन्स टू बी येट अनदर सेक्टर कि जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि पिछले साल गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की थी कि हाउसिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन से जुड़े तमाम जो शोभा जात हैं उनको रिजुविनेट किया जाए, उनमें मराहत दी जाए, और जिसका नतीजा हमने देखा कि इस साल अभी तक कंस्ट्रक्शन पैकेज में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट वी आर लिसनिंग इज़ कि PSDP में कोई 900 बिलियन रखे गए हैं जिसका बेशतर हिस्सा जो है वो स्टील और सीमेंट सेक्टर में बाजार हिस्से में तेज़ी का बायस बन रहा है। बट कमिंग टू द ग्राउंड एंड टचिंग द बेस ऑन द साइड्स ऑफ द टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू साइड, गवर्नमेंट एक्चुअली क्या इंटेंट कर रही है, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इसको हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे मुजम्मिल हिमानी, ही हैपन्स टू बी टैक्स एक्सपर्ट, और रियल इस्टेट साइड पर क्या होने जा रहा है और पिछले साल से अब तक क्या हुआ है, बिकॉज दो साल से तो थोड़ी सी एक्टिविटी देखने में आई है, तीन साल से रियल इस्टेट सेगमेंट वॉज काइंड ऑफ स्टैगनेंट। अब हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से काफ़ी एक्टिविटी है रियल इस्टेट साइड पर। इस साल बजट में कौन सी चीज़ों को री एम्फेसाइज किया गया है, और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद कयानी इस्लामाबाद से, ही हैपन्स टू बी अ रियल इस्टेट एक्सपर्ट। इन गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर द सेलियंट फीचर जिसकी वजह से गवर्नमेंट विल बी एबल टू मीट इट्स रेवेन्यू टारगेट्स। सो मुजम्मिल, पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बजट के ऊपर आप एक होलिस्टिक सा व्यू दे दें, यानी जो मिजानिया है टोटल एक्सपेंडिचर जिसकी बात होती है कि वो 8000 इतने अरब का है और 4800 अरब का रेवेन्यू टारगेट रियलिस्टिक है अनरियलिस्टिक है, ये डिबेट तो बहुत सारी हमने सुनी हुई है कि जो प्रोविंशियल हिस्सा है और विफाक का हिस्सा है, इसको छोड़कर अगर आप थोड़ा सा बता सकें होलिस्टिकली कि ये इस बजट में एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के नंबर्स क्या हैं, गोइंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस के टैक्स में कहाँ का मसाइल है। अच्छा देखिए सानी साहब, इसमें जो बजट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर आप एस टैक्स एक्सपर्ट मेरा कमेंट लें तो ऐसा मतलब एक आवामी बजट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि हर सेक्टर को किसी ना किसी तरह पे इंटरटेन किया गया है, ठीक है। वरना इससे पहले अगर आप इसे बजट उठा के देखें तो किसी ना किसी सेक्टर को इश्यूज़ रहते थे, और या तो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को आप जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते थे जिसकी वजह से दूसरे को आपने कंपनसेट आप कर रहे होते थे एक के ऊपर। तो अगर हम वैसे नंबर्स को अगर चेक करें तो टैक्स रेवेन्यू के जो नंबर्स गवर्नमेंट ने अपने इस साल के जो सेट किए थे वो 4.9 ट्रिलियन रुपीज़ थे, और फिर उसके बाद IMF से डिस्कशन के बाद जो एक्चुअल नंबर्स की तरफ हम जा रहे हैं वो 4.69 ट्रिलियन तक हम अचीव कर सकेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट ईयर के जो रेवेन्यू टारगेट्स हमने रखे हैं टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, वो 5.289 के जो है वो 5.829 के जो है वो ट्रिलियन के टारगेट्स हमने सेट किए हैं, ठीक है। अगर हम उसे अपने एग्जिस्टिंग एक्चुअल टारगेट से देखें तो वो समवेयर अराउंड 1200 बिलियन रुपए का जो है वो डिफरेंस है, और अगर हम जो रिवाइज टारगेट हमने सेट किया था, ठीक है, उससे देखें तो वो 800 बिलियन का जो है वो इंक्रीज नज़र आएगा हमें। इसी तरह से अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, ठीक है, तो वो 1.6 बिलियन का आपका इस साल का था, अगले साल का 2.8 बिलियन का जो है 2 ट्रिलियन का हमने जो है वो टारगेट सेट किया, यानी इस साल 1.6 ट्रिलियन का, नेक्स्ट ईयर का 2 ट्रिलियन का जो है वो हमने टारगेट सेट किया, ये भी 470 बिलियन जो है वो यहाँ पे इजाफी हमने रखे हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्रोथ रेट हमने रखा है नेक्स्ट ईयर का वो 4.8% हमने रखा है, इन्फ्लेशन जो है वो हमने जो टारगेट सेट किया है वो 8% का टारगेट हमने सेट किया है, जबकि अगर हम कलेक्शंस की बात करें तो ये कलेक्शंस होंगी कहाँ से, ठीक है, असल जो हमारा एक सवाल है कि भाई ये कहाँ से कलेक्शन होंगी, तो जो डायरेक्ट टैक्सेशन से गवर्नमेंट का इंटेंट है वो 400 बिलियन एडिशनल कलेक्ट करने का है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वहाँ से जो है वो 800 बिलियन एडिशनल जो है वो टैक्स कलेक्ट करने का है। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें तो 6.6 ट्रिलियन जो है वो इस साल का टारगेट था, और नेक्स्ट ईयर का जो हम टारगेट देखते हैं वो 7.91 ट्रिलियन रुपए का जो है वो हमने रेवेन्यू टारगेट सेट किया हुआ है। अंडरस्टूड। ये बताएं कि गवर्नमेंट का ये कहना टाइम एंड अगेन कि कोई नया टैक्स नहीं लगा है, एग्जेम्पशंस जो हैं उसको काइंड ऑफ कर्टेल किया गया है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सी एग्जेम्पशंस हैं जिसको गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है या कम किया है? देखें ये इससे मैं थोड़ा सा मतलब एग्री नहीं करता कि गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने डेफिनेटली एडिशनल टैक्स लगाया है, लेकिन इसके अंदर ये है कि उसको रैशनलाइज बेसिकली किया है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर पहले टैक्स था, ठीक है, अब जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब ये इरेशनल सी बात थी कि भाई आप एक जगह गुड्स पे करते हैं दूसरी जगह नहीं करते, तो वहाँ भी 1% का आपने एडिशनल FTR का टैक्स इम्पोज कर दिया।
इसी तरह से अब कोविड के बाद और कोविड से पहले आपकी जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज हैं, ई कॉमर्स है, उसको एक बूस्ट मिला है, ठीक है, तो उसको भी सेल्स टैक्स के नेटवर्क में, टैक्स नेट में लाना बहुत जरूरी था, तो गवर्नमेंट ने उसे सेल्स टैक्स की सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया। डोंट यू एग्री कि ये पहले डेवलप हो जाती मार्केट और फिर इस पे टैक्स लगता? देखिए, आपकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है, इससे पहले कि ये भी आपके पास अनडॉक्यूमेंटेड की तरफ चले जाए, ठीक है, इसलिए बेहतर यह है कि इसे भी हम टैक्स नेट के अंदर लेके आए, ठीक है, बजाय इसके कि हम टैक्स डेप्थ में जाएं, हमें टैक्स विथ को जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, टैक्स बेस को बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से गवर्नमेंट ने SMEs को इंक्रीज करने के लिए रिड्यूस टैक्सेशन 7.5 से 10% की टैक्सेशन इनकम टैक्स के अंदर 14 शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करके वहाँ पे लेवी करवा दी, और साथ साथ गवर्नमेंट एक अच्छा मेजर ये भी ले रही है कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं, ठीक है, आपके पास सेल्स टैक्स की रिसीट है, तो आपको प्राइजेस दिए जाएंगे मंथली बेसिस के ऊपर अगर आप ये सेल्स टैक्स की रिसीट जो है वो गवर्नमेंट से शेयर करते हैं। इसी तरह से अगर हम टैक्स बेस की एक्सपेंशन की बात करें, तो गवर्नमेंट ने आपको एक बहुत अच्छा जो मेजर लगेगा वो जो बैंक्स की जो ट्रांजैक्शंस थी उसके ऊपर से आपने टैक्स को जो है वो रिमूव कर दिया, तो डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाने की वजह से आपने यहाँ से भी जो है वो टैक्स को रिमूव किया। इसी तरह से जो आपकी पार्ट वन ऑफ द सेकेंड शेड्यूल की एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है, जो मटेरियल एग्जेम्पशंस थी उसको आपने जो है वो विड्रॉ किया। लाइकवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अगर हम देखें, देखिए इन्फोर्समेंट भी कहीं ना कहीं आपका एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, अगर आप अच्छी इन्फोर्समेंट करें तो वहाँ से भी आपकी एक अच्छी रेवेन्यू कलेक्शन हो सकती है। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात करें, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, जहाँ पे आपके लूप होल्स हैं, जो करप्शन हैं, उसको जो है वो करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा मेजर ये लिया है कि आपके जो रिफंड्स हैं उसकी एप्लीकेशन के बगैर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, ये एक अच्छा मेजर है। इसी तरह से आपके पास अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर बात करें, तो ई हियरिंग का कॉन्सेप्ट को जो है वो आप लेके आ गए, ठीक है, okay. तो इस तरह के मेजर्स, और फिर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, तो देखें समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करके भी ये काम कर रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो, जैसे मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अगर हम बात करें, आईटी जोन्स की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, गवर्नमेंट ने जो है वो लोअर जो आपके जो हाउस होल्ड्स वाले हैं उनको 500,000 का इंटरेस्ट फ्री बिजनेस लोन देने की बात की है, 250,000 पर हाउस होल्ड जो है वो एग्रीकल्चरल लोन देने की बात की, इंटरेस्ट फ्री, ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है तो 200,000 पर हाउस होल्ड जो है वो आपको इंटरेस्ट फ्री जो है वो लोन देने की बात की है। इसी तरह से अगर हम टैक्स इंसेंटिव्स की बात करें, तो टैक्स इंसेंटिव्स के अंदर टैक्स क्रेडिट्स दिए हैं, एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, कोल माइनिंग्स के प्रोजेक्ट्स को, स्टार्टअप्स को जो है वो नए टैक्स क्रेडिट्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। लाइकवाइज गवर्नमेंट जो है वो आपने सुना होगा कि एनर्जी सेक्टर को भी थोड़ा सा रिफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो वहाँ के जो सेक्युलर डेट और इस तरह के इश्यूज है वहाँ उनको भी कम करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे से जो है वो ग्रोथ के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट का इंटेंट है। ज़बरदस्त। टैक्स रिलीफ्स के ऊपर कुछ बताएंगे, व्हाट आर द स्पेसिफिक टैक्स रिलीफ्स दैट गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड? देखिए टैक्स, इसे तो मैं ये कहूँगा कि पूरा आपका मतलब बजट ही टैक्स रिलीफ पे बेस करता है, हर दूसरा प्रपोजल जो है गवर्नमेंट का जो है वो टैक्स रिलीफ के ऊपर बेस करता है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें अगर हम उन पे डिस्कशन कर लें, जैसे मैंने बताया कि एडवांस टैक्स 40% से जो है गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए, कैश विड्रॉल्स की अगर हम बात करें, एयर टिकट्स की हम बात करें, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर आपका नाम ETL के अंदर है तो आपके ऊपर नहीं चार्ज होगा, अगर हम बात करें ये स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रांजैक्शंस की बात करें उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो वहाँ से विड्रॉ कर लिया। इसी तरह से अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडवांस टैक्स पे कर रहे थे उसे गवर्नमेंट ने जो है वो रिमूव कर लिया। इस तरह से जो प्रीपेड आपके जो मोबाइल के कार्ड्स होते हैं उस पर टैक्स रेट को रिड्यूस किया है, तो कहीं टैक्स रेट को रिड्यूस किया है, कहीं जो है वो एबॉलिश कर दिया है, तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम देखें तो एडवांस टैक्स के अंदर तो ये पोजिशन है। लाइकवाइज अगर हम मिनिमम टैक्स की बात करते हैं जो टर्नओवर की बेसिस के ऊपर चार्ज होता है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अच्छे मेजर्स लिए वो ये लिया है कि आपका जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उसका रेट 0.75% टर्नओवर की जो अगर हम बात करते हैं उसको रिड्यूस करके 0.25 कर दिया है। इसी तरह से जो ओवरऑल जनरल रेट था वो 1.5 से रिड्यूस करके 1.25 कर दिया है। और फिर जो इंडिविजुअल्स और AOP की अगर हम बात करें, जहाँ पे 10 मिलियन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी टर्नओवर की वो उसको इंक्रीज करके 100 मिलियन आपका कर दिया है। और फिर जो वुमेन एंटरप्राइज का एक नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100% फॉर एग्जांपल फीमेल्स हैं, तो आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी होगी वो 25% से रिड्यूस हो जाएगी। लाइकवाइज आपके पास जो नए टैक्स क्रेडिट्स इंट्रोड्यूस हुए उसके अंदर जो एक टैक्स क्रेडिट है जो स्टार्टअप से पर्टेन करता है, एक टैक्स क्रेडिट है कि जो आपका IT सेक्टर से पर्टेन करता है,
अगर आप फॉर एग्जांपल विंड और सोलर पावर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपका पर्टेन करता है। इसी तरह अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन के अंदर भी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छे इकदाम लिए कि जो अगर सिक्योरिटीज़ की बात करें तो वहाँ का रेट जो है वो 15% से रिड्यूस करके 12.5% कर दिया, और अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ के कैपिटल गेन को 5% पे लॉक कर दिया। इसी तरह इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने उसे फिक्स कर दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करें, रेंटल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ से सेपरेट ब्लॉक को एंड करके नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर लेके आ गए। तो इस तरह के बहुत सारे अच्छे मेजर्स, रिलीफ के जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर जो है वो प्रपोज किए हुए हैं। बट हाउ अबाउट एन इंडिविजुअल, अ सैलरीड क्लास इंडिविजुअल, उसके साथ क्या किया है? कैन यू मेंशन अ सिंगल थिंग? बिकॉज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज द कॉन्ट्ररी। आई हैव बीन टोल्ड के जो मेडिकल है उसको भी, उसकी भी टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। बहुत अच्छा सवाल है सानी साहब आपका, इस पर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट के आईएमएफ से जो डिस्कशंस चले हैं अप्रैल के टाइम से, आप सुन रहे होंगे कि 305 बिलियन गवर्नमेंट ये चाह रही थी, आईएमएफ ये चाह रहा था कि सैलरीड क्लास से रिकवर की जाए। एग्जिस्टिंग अगर हम बात करें तो 126 अराउंड 129 बिलियन है, तो एडिशनल 170-180 बिलियन का हमें आईएमएफ ये कह रहा था कि एडिशनल टैक्स जो है वो सैलरी क्लास से कलेक्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इसको रिटेलिएट किया और सिर्फ 10 बिलियन टैक्सेस के ऊपर जो है वो एडिशनल जो आपके टैक्सेस इम्पोज नहीं किए बल्कि आपकी एग्जेम्पशंस को विड्रॉ किया। तो सिर्फ 10 बिलियन की जो आपकी विड्रॉल्स मतलब जो एग्जेम्पशंस हैं वो विड्रॉ की। अच्छा, इसके ऊपर भी एक डिफरेंट व्यू मैं रखता हूँ कि गवर्नमेंट चाहती तो बजाय इसके कि इसको विड्रॉ करती, अगर थोड़ा सा इन्फोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग कर लेती तो शायद आपको सैलरीड क्लास से ही ये टैक्स रिकवर हो जाता, आपको एग्जेम्पशंस विड्रॉ नहीं करना पड़ती। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सैलरीड क्लास ऐसे हैं जो टैक्स क्रेडिट्स लेते हैं लेकिन हमने कभी उस तरह की इन्फोर्समेंट नहीं की कि हम ये इवेल्यूएट कर सकें कि क्या कंडीशंस कंप्लाई हुई थी नहीं हुई थी। ठीक है, प्रोविडेंट फंड के हवाले से, टैक्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के हवाले से, डोनेशंस के हवाले से, तो ये वो एरिया है कि अगर हम बजाय इसके कि इसको विड्रॉ करते हम जो है वो इन्फोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करके भी टैक्स की अच्छी कलेक्शन कर सकते थे। मज़म्मिल ये बताएं आखिर में कि देर आर नंबर ऑफ एरियाज, स्टील मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मुझे कॉल की, जो मियां जाहिद साहब हैं ही कॉल्ड मी एंड ही सेड तकरीबन लोगों की एक बात पे इजहार नाराज़गी है एंड दैट इज़ कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने ज़िम्मे ये काम क्यों ले रहे हैं कि इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट बात अगर किसी के अरेस्ट तक जा रही है तो मैं ख़ुद उसको देखूंगा। दे आर सेइंग कि इज़ इट द जॉब ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। ये तो एक साइड का कमेंट है, बट व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स विच शुड बी टेकन बिफोर द फाइनेंस एक्ट, इस पे ज़रा शॉर्टली बता दीजिएगा। देखिए इसमें साईं साहब सेल्फ असेसमेंट स्कीम को गवर्नमेंट ने फिर से रिज्यूम किया 2001 में जब ये ऑर्डिनेंस आया, जुलाई 2002 से इम्प्लीमेंट हुआ था, लास्ट ईयर इसे चेंज करके सेल्फ असेसमेंट को बैकआउट किया। 122(5)(a) के अंदर कमिश्नर्स के जो आप कहें कि हाथ हैं वो बांध दिए, ठीक है, पहले जो इंक्वायरी होती थी वो नहीं, लेकिन ये अच्छे मेजर्स थे। लेकिन आपने साथ में जो है वो अरेस्ट के जो पावर्स दे दिए 16-17 ग्रेड के एक ऑफिसर को। नाउ दिस इज रेस्ट विद द फाइनेंस मिनिस्टर। एग्जैक्टली, तो अब इसके अंदर जो है वो आपके पास कंसीलमेंट की, कंसीलमेंट ऑफ अगर इनकम होती है तो उसके अंदर आप जो है वो अरेस्ट के पावर्स हैं। तो इसको मतलब ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इसे रिविजिट करें क्योंकि ये काफ़ी हार्श मेजर्स हैं। जहाँ आप ट्रस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इस वजह से क्रिएट हो सकता है कि इस मेजर की वजह से कि मतलब दूसरे एंड के ऊपर हमें एफबीआर की साइड के ऊपर भी। प्रिसाइजली व्हाट आर द अदर करेक्टिव मेजर्स वी शुड बी टेकन? देखिए सबसे पहला तो यही है कि आपको इसको जो है वो रिमूव करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए, इतना हार्श मेजर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कंप्लाइंस एक बढ़ा दी गई, ठीक है, एक रिकंसिलेशन है जो मॉनिटरिंग ऑफ विदहोल्डिंग के टैक्सेस के टाइम पे होती थी, अब वो आपने रिटर्न ऑफ इनकम के टाइम पे कह दिया कि वो आपने देनी है। इसी तरह से कुछ और डिस्प्यूट्स हैं जो 156 के और दूसरे 149 के हैं, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह के जो अप्रूवल्स के इश्यूज़ हैं जो डिपार्टमेंट लेवल पे हम फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, एग्जेम्पशंस के इश्यूज़ हैं, 15 दिन के अंदर आपने कहा ठीक है अब उसे हम चेक करते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, लेकिन जो अप्रूवल्स के इश्यूज़ हैं और इस तरह के प्रैक्टिकली जो डिपार्टमेंट के अंदर इश्यूज़ फेस होते हैं उनको भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि जहां आप टैक्स पेयर को पनिशमेंट्स की बात करते हैं या हार्श मेजर्स की बात करते हैं, एट द सेम टाइम हमें चाहिए कि हम डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी को जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। कि गवर्नमेंट की ये इंटेंशन है कि दरअसल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर और हाउसिंग के ज़रिए ही इकोनॉमी का जो पहिया है उसको चलाया जाए। पिछले 4-5 सालों से तो रियल इस्टेट में लोगों की काफ़ी, लोगों को एक्चुअली कहना नहीं चाहिए मगर बात सच है कि लोगों को काफ़ी दुख दिए रियल इस्टेट ने, बट लास्ट 2 ईयर हैपन टू बी काइंड ऑफ गुड एंड देयर वाज सम ट्रैक्शन
इन द रियल इस्टेट सेक्टर, और पिछला एक साल जो है उसमें तो देखा गया है कि बहरिया में चीज़ें तकरीबन डबल हो गई हैं। डी एच एस सिटी में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है, और बहरिया टू नूरियाबाद के करीब जिसकी लॉन्च के ऊपर हमने देखा कि थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉइस भी हुआ। तो शहजाद साहब, आप इस सारे सिनारियो को कैसे देखते हैं? लेकिन इस रियल इस्टेट के सेगमेंट पर इन जनरल बात करने से पहले आप एक कमेंट दीजिएगा कि बजट जो है उसको रियल इस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सानी फॉर हैविंग। बजट का आपने ओवरऑल पूछा, तो बजट में रियल स्टेट के हवाले से पिछले चंद सालों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है। गेन टैक्स को लास्ट ईयर भी रिड्यूस किया गया था, इस साल भी उसमें चेंजेस रिकमेंड की गई हैं, जिसमें स्लैब जो है वो 5% पे फिक्स कर रहे हैं। पहले ये 2.5, 5, 7.5 और 10% डिफरेंट स्लैब्स थी। 2.5% से 5% होना इट्स अ लिटिल कंसर्न इन रियल्टर्स, लेकिन जो 7.5 और 10% की स्लैब्स थी वो भी 5 पे आ गई हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ओवरऑल टैक्सेशन में नरमी की गई है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि रियल स्टेट सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन से अराउंड 40 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, और इसको टैक्स छूट देने, एमनेस्टी देने, और उससे गवर्नमेंट ने और सब लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इकोनॉमी में इफ़ेक्ट आया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, जॉब्स क्रिएट हुई हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में एक्सपेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग अकोमोडेट किए गए हैं। और ये सिर्फ लेबर या लो कैटेगरी में नहीं होता, वहाँ से ले कर आपके इंजीनियर से ले कर टॉप एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, हर लेवल पे इसका इफ़ेक्ट देखा गया है। तो डेफिनेटली बजट में इसमें रिलैक्सेशन टैक्सेशन की तरफ से करने से इसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। अच्छा क्यानी साहब, कराची के कॉन्टेक्स्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चल रहा है, और बड़ा कॉमनली लोग एक सवाल करते हैं कि कराची जो है एक शहरी इलाका है, और यहाँ की 55% ऑफ द लैंड इज़ द सर्वे लैंड, जिसकी वजह से अलॉटमेंट के और टाइटल के इश्यूज़ हैं। तो द एरियाज़ इन विच यू वर्क एंड योर कंपनी ऑपरेट्स ट्रिपल एसोसिएट्स, आपका क्या व्यू है कि ये वाले जो मसाइल हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से चीज़ें डील कर रही है, कराची में जो प्रॉपर्टी के टाइटल के इश्यूज़ हैं वो नियर फ्यूचर में एड्रेस हो जाएंगे? सर, सुप्रीम कोर्ट सानी साहब, इसमें क्वेश्चन तो हैं, बट गवर्नमेंट के स्टेप्स और चीज़ें, दे आर प्रो पीपल एंड प्रो रियल स्टेट, सो वी होप के ये डेफिनेटली रिजॉल्व होंगे। गवर्नमेंट का विजन है, कराची इस मार्केट को पहले ही अंडरस्टैंड करती थी गोइंग वर्टिकल। ट्रिपल एसोसिएट्स ऑल्सो बिलीव इन द सेम। जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस ग्रोथ से, तो वर्टिकल इज़ द ऑप्शन। अच्छा, अभी आपने कहा कि विद इन कराची जो ये इश्यूज हैं, तो होपफुली ये भी जल्दी इसमें हल होंगे। क्या नहीं सर, ये फरमाइएगा कि हाउसिंग के लिए अभी एक नंबर भी दिया गया कि पाकिस्तान में कोई 3 से 4 मिलियन हाउसेस की नीड है, इससे मुतालिक कोई ऑथेंटिक स्टडी मौजूद है कि कितनी नीड है, और उसके लिए एक्चुअली क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए? डू यू सी अ कॉन्क्रीट प्लान फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड? सारी साहब, इसमें एक्चुअली नीड जो इवन बजट में इन राइटिंग ब्लैक एंड वाइट आपके मौजूद है, दैट इज 10 मिलियन, 1 करोड़ घरों की रिक्वायरमेंट है। ओके, और गवर्नमेंट अपने एंड पे इसके ऊपर कर रही है, वो लोन्स भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, मॉर्गेज भी अलाउ कर रही है, मगर पब्लिक सर्विस से खाली इसको मीट करना ग्रोइंग इकोनॉमी में, इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द राइट सोल्यूशन, और गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं कि दे आर प्रो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये हाउसिंग और रेजिडेंशियल विद पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप
क्रिएट किए जाएंगे इंशाल्लाह। सो गवर्नमेंट का ये कहना कि गवर्नमेंट 1 करोड़ हाउसिंग की नीड को महसूस करती है और गवर्नमेंट का ये कहना कि हमने इसमें पर हाउस 3 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट या मार्केट की सब्सिडी दी है, यू थिंक दिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग ट्रैक्शन एंड टू ब्रिंग प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इनटू दिस वेंचर इनटू दिस बिजनेस? सर डेफिनेटली ये एक सानी साहब है, एक अच्छा स्टेप है, बट व्हेन यू गो टू द प्राइसेस ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन प्राइसेस तो एट टाइम्स इट सीम्स अ लिटिल लेस, थोड़ा लगता है। फिर उसमें जितना मैक्सिमम हो सके गवर्नमेंट की तरफ से फिर कुछ आइडियाज, न्यू प्रोजेक्ट्स एज अ कंबाइंड वेंचर वो किए जाएं, तो ये एक बहुत अच्छा सलूशन रहेगा for the government, for the people and for growing economy. So Kani sahab, ye Karachi se lekar aur Nooriabad tak jahan par Beharia Karachi 2 ka project aa raha hai, recently abhi humne ek study ki thi, survey kiya tha, to jisse hame ye pata chala ke Nooriabad ki jo industrial land hai jo ki 20 se 30 lakh rupaye ekad hoti thi wo ab 3.5 se 4 crore rupaye एकड़ तक उसकी मालियत चली गई है। और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल लैंड के सामने जो बहरिया 2 का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको सारी का एरिया कहा जाता है, वहाँ पर जो ज़मीन है वो 3.5-4 लाख रुपए एकड़ होती थी, वो 80 लाख रुपए एकड़ हो गई है। आपको लगता है कि ये जो प्राइसिंग है ये मेरिट बेस्ड है या फिर इसमें आपको प्राइस मेकिंग का एलिमेंट आपके ख्याल में इसमें हो सकता है? एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट व्हाट इज योर ओपिनियन? सर एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट मेरिट नॉन मेरिट पे डिस्कस करना मुश्किल होगा इस वक्त, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सस्टेनेबल है कि नहीं इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा। प्लीज़। एक्चुअली कराची में अगर आप देखें तो PCHS मोहम्मद अली सोसाइटी और से ले के डिफेंस फेज 8 तक ये काफ़ी कंजेस्टेड भी है और प्राइसेस भी काफ़ी हाई हैं आजकल तो right. तो कराची से ले के और ये जो सारा एरिया नूरियाबाद एक्सप्रेस वे पे ये काफ़ी मेजर चेंज लाएगा डेवलपमेंट में। ओके मेरी भी एक उसी के हिसाब से रेट्स ज़्यादा बढ़े हैं क्योंकि डिमांड है। Right. So somebody told me, a person who works for the Karachi site area, he said कि सानी भाई यहाँ पे अगर 50 करोड़ और 40 करोड़ पे लोग मांगते हुए पर एकड़ के नहीं शर्मा रहे हैं तो आपको नूरियाबाद में जो 4 करोड़ रुपए एकड़ की डिमांड है उसको ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। सो दैट वॉज़ वेल अंडरस्टूड बाई मी। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि शहरों में स्पेस कम हो रहा है, शहरों से बाहर एक्सपेंशन की बात हो रही है, कराची से हैदराबाद सीम्स टू हैव बीन बुक्ड बट नॉट पॉपुलेटेड, तो आपको लगता है कि ये वाली चीज़ डाउन द रोड 4-5 साल में डेवलप तो होती हुई नज़र आ रही है मगर यहाँ पे आबादी उस तरह से नहीं नज़र आ रही जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सानी साहब इस पे पर्सनल टेक मेरा ये है कि आप ये देखिए कि सराब बोर्ड से अगर आके आप लियारी एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो टावर तक पहुंचने में तो 15 मिनट लगते हैं। यस yes. वही अगर आप शारे फैसल या किसी और जगह से जा रहे हो तो पीक आवर्स के रश में आपको इससे डबल टाइम लगता है। तो DHA सिटी हो गया, बैरिया टाउन हो गया, इस जगह से लेके सराब बोर्ड तक का एरिया है जो मैस ट्रांसपोर्ट या किसी तरीके से अच्छे तरीके से गवर्नमेंट कवर कर लें तो आपको शहर के सेंटर तक पहुंचने में हार्डली 25-30 मिनट्स लगेंगे। तो जब ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी तो ऑक्यूपेंसी और चीज़ें भी इंशाल्लाह इन जगहों की वो अप्रोप्रिएटली बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल लॉजिकल बात है आपकी और बिल्कुल वी आर दी विक्टिम एंड वी एक्सपीरियंस दिस थिंग ऑन अ डेली बेसिस के गुलशन इकबाल के हसन स्क्वायर से टावर जाने में 45 मिनट लग जाते हैं जबकि अगर आप इससे लियारी बाईपास से चले जाएं तो आप 10 मिनट में टावर पहुंच जाते हैं।
दैट हैपेंस टू बी अ फैक्ट एंड यू आर होपफुल कि अगर ये ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसपोर्ट का सेटअप कोई गवर्नमेंट कर देती है तो फिर सेंटर ऑफ द सिटी का जो रीच आउट है वो बहरिया से या DHS सिटी से 30-35 मिनट की मार होगा. अंडरस्टूड. यानी साहब यहाँ पर लेना है मुझे एक छोटा सा वक्फा. वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे दोबारा से और थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे मुजम्मिल हिमानी से भी कि इसकी जो टैक्स साइड है वो क्या है और टैक्स साइड पे जो रिलैक्सेशंस हैं उसका फ़ायदा असल में इस इंडस्ट्री को अगर होगा तो कैसे होगा. मिलते हैं वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बातचीत कर रहे थे शहज़ाद कियानी से जिन्होंने बताया कि कराची से बाहर यानी कराची के टूल प्लाजा से लेकर और नूरियाबाद तक जो आबादी है वहाँ डेवलपमेंट का काम काफ़ी हुआ हुआ है लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट का मसला गवर्नमेंट थोड़ा सा एड्रेस कर दे तो DHS सिटी और बहरिया और इस तरह की दूसरी आबादियों से जो रहने वाले लोग हैं वो 20-25 मिनट में सेंटर ऑफ द सिटी पहुंच सकते हैं. और जो प्राइसिंग है उसके बारे में भी एक व्यू सामने आया वो ये था कि कराची का जो साइट एरिया है वहाँ की जो प्राइसेस हैं वो 40-50 करोड़ रुपये पर एकड़ हैं जबकि कुछ केसेस में जो मेन रोड की लैंड्स हैं वो 60-66 करोड़ रुपये एकड़ के रेट पर भी बिक रही हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट ही मेंशन्ड वाज के नूरियाबाद के आसपास की इंडस्ट्रियल लैंड जो है वो उसकी 4.5-5 करोड़ रुपये एकड़ अगर प्राइस है तो वो किसी हद तक अपने आप को जस्टिफाई करती है. और इसी तरह हाउसिंग की प्राइसिंग है कि व्हाट ही टोल्ड अस वाज कि PCHS और गुलशन और अगर डिफेंस की प्राइसेस का अगर आप कंपेयर करें बहरिया के साथ तो वो उसका कंपैरिजन इनफैक्ट बनता ही नहीं है. ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट की विल की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की और वो किसी हद तक नज़र आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है इसमें काफ़ी बड़ा आई वुड से रादर हेफ्टी सब्सिडी जो है वो कमिट की है बजट में और 100 अरब के करीब जो है उसमें से 70 बिलियन सीम्स टू हैव बीन यूटिलाइज्ड. यानी साहब इस प्रोग्रेस को आप कैसे देखते हैं कि कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं या पाइपलाइन में हैं या गोइंग फॉरवर्ड आप इसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं. सानी साहब इससे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है पर ऑन ग्राउंड कुछ इश्यूज आ रहे हैं लोगों को लाइक पेपर वर्क के लिए उनको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ रही है. फिर कुछ इंटरेस्ट रेट करंट उसमें शुरू के सालों में तो थोड़ा इजी है बट लेटर पार्ट में उसकी हाई रेट की शिकायत जनरल अवाम उसकी दे रही है. तो जो सैलरीड पर्सन है अगर वो लेता है और उसको 5 साल और 7 साल बाद पता है कि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसको ज़्यादा रिटर्न करना पड़ेगा तो फिर उसके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा लोन लेना इस सब्सिडी को यूज़ करना. ओके तो उसकी तरफ थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा. सही है. कैरी साहब मैं आपकी तरफ दोबारा से आता हूँ एक मुजम्मल से. बाय द वे मैं एक सवाल कर लूँ. मुजम्मल ये बताइएगा कि अमेरिका में एक सब प्राइम नाम की चीज़ आई थी और जिसमें ये हुआ था कि इसी तरह की जो हाउसिंग लोन थे उसके 5-6 साल बाद 7 साल बाद बहुत सारे मकानात जो हैं वो बिकने के लिए आ गए थे. फिर JP Morgan ने उन्हें कोलेट्रलाइज करके प्रोडक्ट एक अनाउंस की थी जिसके रिजल्ट में जो है वो 2008 का क्राइसिस भी आया था. पाकिस्तान की इकॉनमी का अगर मैक्रो व्यू देखें तो हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसकी स्पाइक आती है फॉर सर्टन ईयर्स और फिर एकदम हम देखते हैं कि बेरोज़गारी काफ़ी अरसे तक रहती है. अब दोबारा से 3 साल बाद हम देख रहे हैं कि इकॉनमी में काफ़ी ट्रैक्शन है और जिसका बहुत बड़ा रीज़न और बायस जो है वो ये गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम है. सो ऑन अ मैक्रो व्यू आपको ये बात लगती है कि 4-5 साल में लोगों ने बहुत सारे हाउसेस ख़रीदे हुए होंगे और अभी चूंकि इसकी डिमांड है तो एक हाउसिंग इंडस्ट्री में ट्रैक्शन है, प्राइसिंग हो रही है, प्राइस मेकिंग हो रही है, इनफैक्ट प्राइसेस बढ़ रही हैं. तो 5-6 साल बाद जब ये इंटरेस्ट रेट दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ऐसी होगी कि वो इस प्रेशर को सस्टेन कर सकें या फिर दोबारा हाउसिंग की प्राइसेस नीचे आएंगी बिकॉज सेलिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी. यू फील दिस काइंड ऑफ थिंग ऑन द मैप.
अच्छा देखिए सानी साहब, इसमें जैसे अभी शहजाद साहब ने भी बताया कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 1 करोड़ की जो रिक्वायरमेंट है जो बजट के अंदर भी बताया, ठीक है, और 50 लाख घरों के ऊपर जो है गवर्नमेंट काम करना चाहती है, उसमें सब्सिडी भी दे रही है, ठीक है, कोई अराउंड 30 बिलियन की सब्सिडी भी 3 लाख रुपये पर घर जो है वो रखी है उसने, ठीक है। तो अगर आप वैसे देखें, ओवरऑल सिनेरियो देखें, तो कंस्ट्रक्शन के एग्जिस्टिंग अगर हम देख रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा 40+ इंडस्ट्रीज़ हैं कि जिसको सपोर्ट मिली है, ठीक है। तो एज़ अ रिज़ल्ट आपके पास जो है वो इंसेंटिव्स भी अलग दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस को जो है वो लास्ट ईयर जो आपके सामने पूरा एक पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो मूविंग ऑनवर्ड्स भी आई पर्सनली फील के इसके अंदर जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि सिर्फ कंस्ट्रक्शन आपका एक सेक्टर नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंटली वर्क ऑन कर रही है वो मल्टीपल एरियाज़ के ऊपर जो है वो काम कर रही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन अगर आप इसके अलावा अगर देखते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज देख लें आप, ठीक है, वहाँ पे जो रेट है डिस्पोजल का जो है वो 12.5 कर दिया, एडवांस टैक्स जो है वो रिमूव कर दिया। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव्स दे रही है, क्रेडिट्स दे रही है, एग्जेम्पशंस प्रोवाइड कर रही है, जो नए स्टार्टअप्स हैं, नए IT सेक्टर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, उसको प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रही है, स्पेशल IT टेक्नोलॉजी जोन्स बना रही है, IT सेक्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, और फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए। देखें आपके पास, क्योंकि ये एक कुछ प्लानिंग्स होंगी जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होंगी, कुछ होंगी जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होंगी, ठीक है, तो जो आप बात करें वो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में एक बात है, लेकिन अगर हम वैसे देखते हैं तो गवर्नमेंट जो जिस तरह से अगर आप टैक्स के अंदर देखते हैं क्रेडिट्स प्रोवाइड कर रही है, रेट्स को रिड्यूस कर रही है, 40% एडवांस टैक्सेस जो हैं वो आपके रिड्यूस कर दिए, तो ये सारी मूवमेंट्स अपेरेंटली लगती है कि इसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज जो है वो हम एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। एंड यू डोंट सी बिग चैलेंजेस, बिकॉज एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद इकॉनमी इस सब का वजन सहारने के काबिल भी हो। डेफिनेटली, बट डिस्पाइट दैट क्यानी साहब, वॉट इज़ योर व्यू के ये वाली सिचुएशन जस्ट इन केस अगर चैलेंज आता है, या बहरहाल ये बात तो ऑन द रिकॉर्ड है कि इसकी वजह से लोगों में एक खौफ है और इस्तराब है, सो वॉट इज़ द राइट इंटरेस्ट रेट इन योर ओपिनियन विच इज़ सस्टेनेबल टू दिस हाउसिंग एंड मॉर्गेज इंडस्ट्री? सानी साहब, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको, जो आपने जिक्र किया 2008 का, बेसिकली 2006 था अमेरिका से जो वो शुरू हुआ, उसका हल्का सा बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी 2010 में ये स्टडी रही है। ओके, लेमन ब्रदर्स, सिटी ग्रुप, दो मेन ग्रुप्स इन्वॉल्व थे। AIG से वो इंश्योरेंस चीज़ें चलती थी, रेटिंग्स भी वही देते थे और क्लियरेंस भी वही देते थे, विच इज़ वेरी बैड, दोनों चीज़ें एक ग्रुप के पास उस तरह एजेंसी के पास नहीं होनी चाहिए थी। तो मॉर्गेजेस और उसके ऊपर आके फेलियर्स इसलिए शुरू हुए कि लेमन ब्रदर्स ने, इवन आप एक एग्जांपल उसकी ये है कि लेमन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी फाइल की, गवर्नमेंट ने उस पर उनको बेल आउट किया, तो फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज इशू बोनसेस के जी इनफ्लो और वो हुआ है, वन एग्जाम्पल ऑफ बैड गवर्नेंस कह लें आप। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर अगर गवर्नमेंट चेक्स रखेगी और चीज़ें अप्रोप्रिएटली फ्रेमवर्क में लेके चलेगी, तो वी ऑल होप कि इंशाल्लाह इसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। एंड हाउ अबाउट इंटरेस्ट रेट्स? इंटरेस्ट रेट देखें जी, वो वेरी करता रहता है। प्राइमरीली प्ले करते हैं इसमें बैंक्स को, आपने जब थोड़ा अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप बैंक्स का ज़्यादा कर देते हैं ताकि इनफ्लो हो, आपने मार्केट में करना हो तो बैंक्स का थोड़ा नीचे होता है ताकि बिजनेसेस और चीज़ों में जाए। जो लोगों के लोन के ऊपर है वो भी इनके साथ होगा कि किस रेशो में प्राइसेस चेंज हो रही हैं, बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, तो अच्छे रेट के ऊपर भी, मतलब ज़्यादा रेट के ऊपर भी लोग अकोमोडेट कर सकेंगे। लेकिन अगर बिजनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ इफेक्ट होगी तो डेफिनेटली लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसमें, और उसमें एक पर्टिकुलर फिगर देना कि जी इस पर्टिकुलर फिगर के ऊपर इट इज़ कंफर्टेबल, इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट राइट नाउ। ओके, सो मुझे किसी ने कहा था कि देखें ये अगर रेट 5% पे आप फिक्स नहीं करते फॉर द लाइफ ऑफ दिस मॉर्गेज ट्रांजेक्शन, you have serious issue in the times to come, so you don't agree with this point of view? जी बिल्कुल सानी साहब, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो 5 से 6
अगर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं उतने ही कंपनीज़ और उनकी ग्रोथ है, और वो कंपेरेटिव सैलरीज और पैकेजेस और बोनसेस बढ़ा सकते हैं, तो वो 5 से 6 या 7 होना इतना मैटर नहीं करेगा। ओके ओके, सो क्यानी साहब आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें टू द गवर्नमेंट और इस सेगमेंट को कामयाब बनाने के लिए टू द रेलेवेंट ऑफिशियल्स, तो जी टी वी नेटवर्क का प्लेटफॉर्म हासिल है। इसके लिए जी मेरा ये है कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, गवर्नमेंट ने आके इसकी तरफ अच्छा ध्यान दिया, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट देखें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट उनके स्टार्ट में आई वुड से इट वाज अ लिटिल निग्लेक्टेड, मगर करंट पॉलिसीज और चीज़ें और वो जो चल रही हैं दे आर गुड, दे आर प्रो रियल स्टेट। रियल स्टेट सेगमेंट के अंदर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, एवरी सेगमेंट इज़ परफॉर्मिंग फाइन राइट नाउ। एक चीज़ जिसके पीछे अभी सबकी नज़रें हैं वो है एमनेस्टी की एक्सटेंशन। ऑफ कोर्स टैक्स और कलेक्शंस और चीज़ों के पीछे आईएमएफ और उनको भी कन्विंस करना होता है, उनको भी उसी पैटर्न में लेके आना पड़ता है, लेकिन करंट चूंकि पॉलिसीज़ आने में ऑन ग्राउंड वर्क कैसे कंडक्ट होगा, प्रोजेक्ट रजिस्टर होने में, उनकी सबमिशंस और चीज़ों में डिलेज आए, तो अ लॉट ऑफ पीपल इन रियल स्टेट आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो एमनेस्टी की डेडलाइन है 30 जून ये एक्सटेंड हो। इसके ऊपर इन ब्लैक एंड वाइट इन डिस्कशंस अभी तक कुछ नहीं है, बट वी होप एंड वी प्रे एंड वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि इसको एक्सटेंड किया जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करंट ग्रोथ ऑफ रियल स्टेट सेक्टर। शहजाद साहब आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुजम्मिल हिमानी, ही हैपन्स टू बी अ टैक्स एक्सपर्ट। इस साल बजट में टैक्स की किस तरह की मुराद दी गई हैं, इनकम टैक्स तबके के लिए इस बजट में क्या है, फाइनेंस बिल में गवर्नमेंट को क्या इकदाम लिए जाने हैं, और थोड़ा सा जिक्र करेंगे एमनेस्टी स्कीम का भी कि आए दिन इसकी डिमांड जो है उसमें इजाफा ही होता है। वी हैवंट सीन अ प्रोडक्ट जिसकी वजह से एमनेस्टी स्कीम एक्चुअली किल हो सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगु थे मुजम्मिल हिमानी और शहजाद कियानी। एक साहब का ताल्लुक रियल इस्टेट सेगमेंट से था और दूसरे हैपन टू बी अ टैक्स एक्सपर्ट। दोनों ने अपने अपने सेगमेंट में बताया कि गोइंग फॉरवर्ड अगला साल जो है वो कितना बेहतर होने के चांसेस और उम्मीद हैं। मुजम्मिल ने अपनी बात को वाइंड अप करते हुए हमें बताया कि फाइनेंस एक्ट के इन्वोक्ड होने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट को नज़र करम करनी चाहिए, इनफेक्ट देखना चाहिए। ये वाली बात के जो डिस्प्यूट है और एट द एंड ऑफ द डिस्प्यूट गवर्नमेंट कैन अरेस्ट एन इंडिविजुअल, और इस चीज़ का जो फैसला है वो एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, इस चीज़ को काउंटर पाकिस्तान की चीदा बिजनेस पर्सनालिटीज़ ने किया है, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस ने किया है, एंड दे आर ऑफ द व्यू वाइल मुजम्मिल सेज कि ये सेल्फ असेसमेंट इज़ अ ग्रेट 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 थिंग, लेकिन इसके साथ बिजनेसमैन का कहना ये है कि अगर आप ये अरेस्ट के पावर लेकर आ रहे हैं और इसकी समरी है तो स्टाफ ही लिखेगा, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर का ये काम तो नहीं रह जाएगा कि वो एक सेक्शन ऑफिसर की तरह डे इन डे आउट इसकी पेशी अरेंज करे। अदरवाइज तो पाकिस्तान का कल्चर ये बताता है कि बहुत ही कोई काइंड ऑफ आई डोंट वांट टू यूज़ कोट एंड कोट वर्ड कि किस तरह के फाइनेंस मिनिस्टर, कितने काबिल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी और लोगों को विक्टिमाइज़ किया जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर वी डोंट वांट टू, वी रादर रिजर्व आवर व्यूज़ एंड द कमेंट्स, एंड वी होप एंड एक्सपेक्ट कि जो गवर्नमेंट की होप एंड एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दीज मेजर्स विच हैव बीन प्रपोज्ड इन द बजट, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स हैं, वी होप कि गवर्नमेंट ये भी अचीव कर लेगी और आइंदा साल जो है वो गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए अच्छा होगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।